हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शिल्पा शिंदे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शिल्पा शिंदे ने फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर पर लगाया है गंभीर एलिगेशन। जी हां, ये आपको चौंका सकता है क्योंकि शिल्पा ने कहा, जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो इस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ किया था गंदा काम। बिल्कुल सही सुना आपने। अब शिल्पा ने उस प्रोड्यूसर की खोल दी है पोल। हालांकि शिल्पा ने उस प्रोड्यूसर की काली करतूत तो सबको बता दी है, लेकिन शिल्पा ने उस प्रोड्यूसर के नाम को नहीं किया है रिवील। बता दें आपको, शिल्पा ने अब कर दिया है शॉकिंग खुलासा। ऑडिशन के नाम पर हुआ है उनका सेक्सुअल असॉल्ट। और क्या कुछ कहा है शिल्पा ने, चलिए गाइस आपको बताने का वक्त आ गया है। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो फटाफट से फिल्म बीट को कर लीजिए सब्सक्राइब। दरअसल भाभी जी घर पर हैं और बिग बॉस 11 से काफ़ी पॉपुलर हुई शिल्पा शिंदे टीवी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस है। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और अब शिल्पा ने शॉकिंग खुलासा करते हुए सबके होश उड़ा दिए हैं। शिल्पा ने बताया कि करियर की शुरुआत में एक बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उनके साथ क्या किया था। जी हाँ, शिल्पा की माने तो बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर ने ऑडिशन के नाम पर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, उन्हें हरास करने की कोशिश की थी। ये बात है 98-99 की, जब शिल्पा कर रही थी स्ट्रगल। और स्ट्रगल के दिनों में शिल्पा ने झेला है कास्टिंग काउच का दर्द। बता दें आपको, शिल्पा ने बिना प्रोड्यूसर का नाम लिए पूरी बात शेयर की है। शिल्पा को प्रोड्यूसर ने कहा, आप ये कपड़े पहनो और ये सीन करो। हालांकि शिल्पा ने वो कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था। शिल्पा ने बताया, सीन में उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे बॉस है और मुझे उन्हें सेड्यूस करना है। मैं तब बहुत भोली थी तो मैंने वो सीन किया। उस आदमी ने मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मैं डर गई। मैंने उसे धक्का दिया और भाग गई। यहाँ तक कि शिल्पा आगे कहती है, सिक्योरिटी को समझ आ गया था कि क्या हुआ है। उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहा। बता दें आपको, शिल्पा ने प्रोड्यूसर का नाम लिए बिना बताया वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से थे और मैं सीन करने के लिए इसलिए राज़ी हुई क्योंकि वो भी एक एक्टर थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती। उनके बच्चे शायद मुझसे थोड़े छोटे हैं और अगर मैं नाम लूँगी तो उन्हें भी परेशानी हो जाएगी। शिल्पा ने यह भी बताया कि वो इस प्रोड्यूसर से एक बार फिर से टकराई तो उसने उन्हें नहीं पहचाना और एक रोल भी ऑफर किया, मगर शिल्पा ने इस बार उस प्रोड्यूसर के साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। यही नहीं, शिल्पा की माने तो इंडस्ट्री में ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी मानती हैं कि अगर कोई चाहे तो इससे इनकार भी कर सकता है। वैसे इन दिनों शिल्पा शिंदे खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आ रही हैं। वो शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई और सबका दिल जीत रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।